हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पोयम विच इज द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेड ह्यूज। ही वॉज बोर्न ऑन 7th of August 1930 इन यॉर्कशायर। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। He had published several volumes of verse. He successfully pursued 4 careers during his life: poetry, teaching, playwriting, and children fiction writing. He died of cancer in 1998. So, जो टेड ह्यूज है उसके बारे में हमने जाना कि उनका जो जन्म था वो 7 अगस्त 1930 को हुआ था यॉर्कशायर में, और वो एक प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत फेमस और हम कह सकते हैं बहुत अच्छे और गुणी। और उन्होंने बहुत सारी वॉल्यूम्स ऑफ वर्स पब्लिश की थी और स्पेशली 4 करियर में सक्सेसफुली उन्होंने सक्सेस हासिल की थी, यानी उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 4 तरह की चीजें लिखी थी, जो कि थी पोएट्री, टीचिंग, प्ले राइटिंग और चिल्ड्रन फिक्शन राइटिंग। फिक्शन का मतलब होता है कहानियां घड़ना, जिसमें साइंस फिक्शन भी कह सकते हैं हम, हॉरर फिक्शन भी हो सकता है, यानी ऐसी कहानियां जो सच ना हो। और 1998 में वो कैंसर की वजह से मर गए। चलिए थोड़ा सा समरी की तरफ ध्यान देते हैं, जो हमारी पोयम है उसकी समरी। द पोयम द लेबनम टॉप इज रिटन बाय टेड ह्यूज। जो हमारी कविता है द लेबनम टॉप, वो टेड ह्यूज ने लिखी है। इट इज अबाउट द रिलेशनशिप, और जो ये पोएम है हमारी वो रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में है, द लेबनम ट्री, लेबनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड, और गोल्डफिंच बर्ड के बारे में है। जो लेबनम ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री कह सकते हैं हम उसको, और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एक सिंगिंग बर्ड है, वो सुनहरे रंग की उसके पंख होते हैं, इसलिए उसको गोल्डफिंच कहा गया है। द ट्री इज येलो, पेड़ जो गोल्ड जो लेबनम टॉप है उसका कलर येलो है। साइलेंट है वो, बिल्कुल चुप है, और कितना साइलेंट है, जैसे कि डेथ लाइक, जैसे मृत्यु होती है वैसे। एंड इज मेड अलाइव, और वो अचानक से जीवित हो उठता है, कैसे, बाय द बर्ड, गोल्डफिंच पक्षी के आने से, एंड हर यंग वंस, और जो उसके छोटे बच्चे उस पेड़ पर रहते हैं उनकी वजह से। द बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री, और उस गोल्डफिंच पक्षी ने अपनी शेल्टर यानी अपना घोंसला बनाया हुआ है इस ट्री में, वेयर, जहां पर शी फीड्स, वो खाना खिलाती है हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को। बट परंतु एज सून एज, जैसे ही द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, जैसे ही पक्षी जो गोल्डफिंच है वो उड़ जाती है और पेड़ को बिल्कुल फिर से अकेला छोड़ देती है, द ट्री बिकम्स साइलेंट, पेड़ फिर से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, डेथ लाइक अगेन, फिर से वैसे की वैसे ही। लेट स्टार्ट टू रीड द पोयम लाइन टू लाइन, द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। सो लेट स्टार्ट। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। अब जब पोयम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं जो लेबनम टॉप है वो साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, एकदम ठहरा हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है, येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है, और इसी वजह से जो धूप है वो हल्की येलो हो गई है। देखिए यहां पे फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, सितंबर सनलाइट, सितंबर सनलाइट, यहां पे एस एस दो बार इस्तेमाल हुआ है, यानी ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब द वर्ड ऑफ सीरीज हैव सेम कॉन्सोनेंट साउंड, फिगर ऑफ स्पीच है ये एलिट्रेशन हमारा, यानी जब किसी लाइन में वर्ड्स की सीरीज हो और जिनका पहला अक्षर यानी पहला जो अल्फाबेट, पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो और सेम हो, तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। तो इसने एलिट्रेशन का यूज किया है, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है और जो हमारी लाइट है वो कैसी है, दोपहर की, येलो हो गई है हल्की। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और जो लेबनम टॉप है उसके कुछ पत्ते पीले रंग के हो गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो उसके बीज हैं जो लेबनम टॉप के हैं वो सब गिर चुके हैं। टिल, तभी द गोल्डफिंच कम्स, जो गोल्डफिंच बर्ड है हमारी वो आती है दोपहर के समय, विद अ ट्विचरिंग चिरप,
ट्विचरिंग चिरप का मतलब, ट्विचरिंग का मतलब होता है फ्लस्टरिंग, जो अपने पंखों को फड़फड़ा रही है, चिरप जो वो साउंड निकाल रही है चहचहाने की आवाज, यानी वो अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई और चहचहाती हुई पेड़ पर आती है। सडननेस, अचानक से, स्टार्टलमेंट, कोई एकदम से एक्टिविटी शुरू हो जाती है, सडननेस अचानक से, स्टार्टलनेस, कोई एक्टिविटी शुरू हो जाती है एट अ ब्रांच एंड, जो लेबनन टॉप है उसके पेड़ की अंतिम छोर पर। देन तब स्लीक एज ए लिजर्ड, देखिए यहां पे स्लीक एज ए लिजर्ड, यहां सिमिली का यूज हुआ है, एक और फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। सिमिली क्या होती है, जब हम किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज के साथ करते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिमिली तभी मानी जाएगी जब उसमें हम एज या सो या लाइक वर्ड उसमें ऐड होगा किसी का कंपैरिजन करने के लिए। जैसे इसने कहा स्लीक एज ए लिजर्ड, इसने गोल्डफिंच को स्लीक, बहुत ज्यादा स्लीक कहा है, बहुत ज्यादा पतली और चिकनी कहा है, एज ए लिजर्ड, जैसे कि वो एक छिपकली हो। इसलिए यहां फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, सिमिली का यूज हुआ है, जब हम किसी चीज की तुलना दूसरी चीज के साथ करते हैं और उसमें एज लाइक या सो वर्ड ऐड हो तब ये सिमिली कहलाएगी। एंड अलर्ट, सावधान, एंड अब्रप्ट, अचानक, यानी वो जो गोल्डफिंच है यहां उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं, वो स्लीक है लिजर्ड की तरह, अब्रप्ट है, बहुत चालाक है, अब्रप्ट है, अलर्ट है, चौकन्नी है। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब पेड़ की गहराई में वो प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो पेड़ के अंदर घुसती है, अपने घोंसले के पास जाती है, अचानक से मशीन जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है। देखिए मशीन स्टार्ट्स अप, यानी जो गोल्डफिंच के बच्चे हैं और गोल्डफिंच है उसको, उनको मशीन कहा गया है, यहां मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। अब हम ये जान लेते हैं कि मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है, दोनों ही एक चीज से दूसरी चीज की तुलना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। जब हम तुलना करते हैं एज और लाइक के साथ तो वो सिमिली है, और बिना एज और लाइक के जब हम किसी का कंपेरिजन करते हैं तो वो मेटाफर है। यहां गोल्डफिंच बर्ड और उसके बच्चों को मशीन कहा गया है, मशीन के साथ उनकी तुलना की गई है, इसलिए ये मेटाफर है। ऑफ चिटरिंग्स, चहचहाने की आवाजें आने लगती हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब होता है बहुत ज्यादा फड़फड़ाने की आवाज, पंखों की आनी शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब होता है बोलने की आवाजें, तेज तेज गोल्डफिंच और उसके बच्चों की बोलने की आवाजें आती हैं। द होल ट्री, जो पूरा का पूरा पेड़ है, ट्रेम्बल्स, वो कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स, देखिए थ्रिल्स का मतलब भी यहां कांपने से है, या एक और हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहां पेड़ को एक लिविंग बींग की तरह दिखाया गया है, इसके लिए यहां परसोनिफिकेशन है। परसोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग में चेंज करते हैं, यहां पेड़ को, पेड़ नॉन लिविंग थिंग है और उसको लिविंग थिंग में चेंज किया है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लग जाता है और थरथराने लगता है, यानी पेड़ जैसे कि किसी पेड़ को कोई व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा हो, आदमी के रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए यहां पे पर्सोनिफिकेशन है, जो कि एक और फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहां इट जो है गोल्डफिंच के लिए इस्तेमाल हुआ है, और गोल्डफिंच को क्या कहा गया है, अपने परिवार का इंजन। जिस तरीके से रेल पूरे के पूरे जो डिब्बे हैं वो इंजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वैसे ही गोल्डफिंच का जो पूरा का पूरा परिवार है वो गोल्डफिंच के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए गोल्डफिंच को इंजन कहा गया है अपने परिवार का। शी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक से फुल का मतलब होता है उड़ान भरना, वो पूरी उड़ान भरती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और अचानक से उड़ती हुई एक पेड़ की शाखा से बाहर निकलती है। शोइंग हर, दिखाती है बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहां बेयर्ड फेस जो है, बेयर्ड का मतलब होता है धारीदार, जैसे चेहरे पे उसके धारियां बनी हुई हैं, आइडेंटिटी मास्क जो उसकी पहचान है, यानी गोल्डफिन जो है उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा धारियां बनी हुई हैं जो कि उसकी एक पहचान बताता है, और वो अपने इसी धारीदार रूप के साथ बाहर निकलती है पेड़ से। देन तब विद एरी, एरी का मतलब होता है एक अजीब सी, डेलिकेट, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस के साथ, विसल, आवाज, सीटी जैसी आवाज, चिरप, विस्परिंग, उसके गले से सीटी जैसी चहचहाने की आवाज निकलती है। शी लॉन्चिज अवे, और वो उड़ान भर लेती है, यानी वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है अनंत आकाश की तरफ वो उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब होता है बिल्कुल क्वाइट, चुप हो जाना, टू एम्प्टी, वो लेबनम तो फिर से
खाली हो जाता है और पहले की तरह क्वाइट हो जाता है, चुप हो जाता है, डेथ लाइक। यानी देखिए, स्टार्टिंग में भी जैसा था, एंडिंग में भी वैसा ही हो गया है। पेड़ पहले भी वो बिल्कुल शांत और डेथ लाइक शांत था, बिल्कुल क्वाइट था, और गोल्डफिंच के आने के बाद उसमें बहुत ज्यादा आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच फिर से वहां से जाती है, वो पहले की तरह ही बिल्कुल शांत हो जाता है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।